उत्तर प्रदेश के बांदा से एक खबर आपको बता दें, जहां देहात कोतवाली अंतर्गत ग्राम लामा के पास तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने पुलिस जीप से दोनों को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर बांदा पहुंचाया, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मेवालाल, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उनको मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामविलास का उपचार कर कानपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के ईएमओ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने क्या कहा है, देखिए खबर संवाददाता शिवलाल शर्मा के साथ। हमारे पास पुलिस द्वारा आया है, 108 एम्बुलेंस लाया गया है, इसमें राम विशाल सना भवानी दिन 40 साल का कोतवाली देहात भगवानपुर का, जिसमें से बहुत सीरियस हेड इंजरी है, भर्ती करके उपचार किया जा रहा है, आगे इसको रेफर करने की आवश्यकता है। इसके परिजन नहीं आए, इनको सूचित किया जा रहा है। और एक है इसमें मेवालाल सना रघुआ 45 साल, जो खपटिया कला पैलानी का है, ये दोनों बताते हैं कि स्कूटी से जा रहे थे और किसी डिवाइडर से टकरा गए हैं, जिससे कि एक की मौत हो गई और एक बहुत ही सीरियस। कहाँ पर हादसा हुआ है, कोई जानकारी? हादसा बता रहे हैं कि गांव लामा कोतवाली देहात के पास है, वहाँ हादसा हुआ है।